हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू वाचिंग मिस्टर सरफराज। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका अभी नए व्लॉग में जो है बीबी के मकबरे। लेकिन उससे पहले कुछ पिएंगे क्योंकि खाएंगे नहीं। हाँ मैं चल कुछ खा लेता हूँ। नहीं, मेरे को भूख लगी है। लेकिन हम बीबी का मकबरा घूमेंगे, नींबू पानी या कुछ भी शरबत वरबत पियेंगे, जाके नान खनिया ही खाएंगे। नान खनिया चलते हैं बीबी के मकबरे में। चलो एंट्री करते हैं। कैमरा टिकट 25 रुपये अलग से। अपने पास कैमरा नहीं है, मोबाइल है। ये गेट है। उनके साथ में वो निकल जाते हैं तो इससे से कम हो जाते हैं। टोकन घूम गया तो 100 रुपया फाइन है, क्योंकि वापस आने के टाइम पे फिर से टोकन यूज करना है। ये है गेट और ये फोटोशूट प्रॉपर्टी जहाँ से फोटोशूट होता है। मेरे चैनल पे फर्स्ट लुक दे रहा हूँ मैं बीबी के मकबरे का, जो दिखता है सेम टू सेम ताजमहल जैसा। यकीनन उस लेवल का शाइन नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चर बनाया गया ना बहुत ही प्यारा बेहतरीन। चलो दिखाता हूँ पहला लुक। जैसे कि ताजमहल चारों तरफ से सेम टू सेम व्यू देता है, ये भी वैसे ही बनाया गया है। चारों तरफ से इसके सेम लुक है, एक ही जैसा बनाया गया है, जिसको बोल सकते हैं इंडिया का दूसरा ताजमहल। वैसे ये औरंगाबाद की शान है, बीवी के मकबरे के नाम से मशहूर है। मकबरा नहीं, मकबरा है। हम लोग गेट पे एंट्री किए, वैसे ही सब्सक्राइबर, फिर थोड़ा आगे बढ़े व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए, फिर सब्सक्राइबर, अभी और ऊपर जा रहे हैं। अभी वहां पर भी मिलने वाले हैं कुछ, लेकिन मिलेंगे सबसे क्योंकि औरंगाबाद आए इसके लिए। तो चलो बढ़ते हैं पीछे की ओर। चलो फिर चलते हैं अंदर की ओर, है ना? अभी ऊपर जाएंगे। आओ गाइस, आओ, लेट्स टेक अ लुक। आज कितने सब्सक्राइबर्स से मिला? मैंने तो सही काउंट भी नहीं किया। हाँ, लेकिन 10-12 तो कम से कम लोगों से मिले। पब्लिक वेट कर रही थी एक्चुअली, शॉर्ट हो गया हम लोग। और अभी तो हाँ 4-5 लोग सुना है मैं, जितने सब्सक्राइबर मिले। भूख लग रही थी तो खाना खाने चले गए, तो आधे से लोग ज्यादा तो ऐसे ही चले गए खाना खाने चले गए। क्या सीन हो गया मालूम क्या? हाँ, तो चलो पहले एक चीज कवर कर लेता, उसके बाद आगे की स्टोरी सुनाता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पर लाइटिंग का इंतजाम है, रात में चमकता है पूरा है ये, समझ रहे? डिस्प्ले लाइटिंग लगी हुई है। ये अपन अंदर की तरफ जाएंगे। अब ये है अच्छा बीबी का मकबरा। पैसा देखो, पैसा तू पैसा देख रहा है, मैं बीबी का मकबरा देख रहा हूँ। इससे ज्यादा पैसा तो अजमेर में। लेकिन यहाँ पैसा क्यों डालना चालू कर दिए? नहीं, लेकिन पैसा क्यों डालना चालू कर दिए? यहाँ पर तो पहले पैसे डालते नहीं थे, पैसे क्यों डालना चालू कर दिए, है ना? मजार पे कौन पैसे डालता है? तो मैं ताजमहल भी गया हूँ। ताजमहल में ऐसे ऐसे पत्थर लगे हुए ना इधर पे जो चमकते हैं, और ये अंदर से बीबी का मकबरा है। क्योंकि ताजमहल की शक्ल में इसलिए बार बार कंपैरिजन आता है दिमाग में, और कुछ नहीं। यहाँ पर बहुत सारे पैसे डाल के रखे, जबकि ज़रूरत नहीं है, मज़ार पर पैसे नहीं डालते। हाँ, ये अंदर से लुक। चारों तरफ से गाइस सेम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, चारों तरफ से दरवाजे भी इसके। अब ये बीबी का मकबरा, मैं बताऊंगा आपको कि बीबी का पूरा नाम क्या है, इनका भी पूरा नाम है। और हर चारों तरफ से गेट है इसके, देखो मैं बताऊँ आपको। ये देखो वहां से भी गेट है, वो बाहर से बताता हूँ अभी तुम लोगों को।
क्या हो गया था पता है क्या, हम लोग ना लाइव पे आने के बाद बोल दिए हम लोग ने, पहले जा रहे हैं हम लोग शानुर मियाँ की दरगाह और दर के बाद से जाने वाले हैं हम लोग सीधा बीबी का मकबरा। हाँ, और शॉर्ट हो गया, हम लोग वहाँ से चले गए पंचक्की और यहाँ पर आए हम लोग पूरे दो घंटे लगे। लेकिन बता दो पंचक्की गया तो वहाँ हो गया टाइम पास, मतलब अच्छा खासा टाइम चले गया वहाँ पर, तो जिसके वजह से हम लोग लेट हो गए यहाँ पर। अब पंगा ये हो गया कि पब्लिक यहाँ पर आके वेट कर रही थी दो बजे से, दो घंटे से वेट कर रहे और हम लोग यहाँ पर पहुंचे 4:15 बजे, तो पब्लिक भूखा भूखा वेट कर रही थी। हम लोग खाना नहीं खाया, नहीं तो सोचे कि खुद ठूस के पब्लिक को वेट कराने, हम लोग अभी तक खाना खा लिए। तो बात ये हो गई ना, हम लोग दो घंटा वेट करे और कड़ी धूप थी यहाँ पे, तो भूख लोग से बर्दाश्त नहीं, तो वो लोग घर पे जा चुके, तो उसमें वो लोगों की कोई गलती नहीं, गलती हम लोग की और उन लोगों के लिए सॉरी जो वेट कर रहे थे। डेफिनेटली वो लोग अभी आके वेट कर रहे थे और हमसे मिल नहीं पाए और वापस चले गए। तो गाइस हम लोगों की तरफ से ऐसा सीन हुआ कि तुम लोगों को तकलीफ हो रही, इट्स ओके माफ कर देना, ठीक है मैं आगे मिले, कुछ सब्सक्राइबर मिले और उन्होंने ही बताया कि बहुत मतलब थे यहां पे सारे जन वेट आ दे तो चले गए आपका वेट करते करते, लेकिन बहुत सारे जन मिल रहे हैं, ठीक है आगे चलते हैं और लोग मिलेंगे। मैं उन लोगों को कवर नहीं कर रहा हूँ ब्लॉग में क्योंकि बहुत सारे जन पर्दानशीन लोग हैं जो कि नहीं कैमरे के सामने आते, ना हो क्योंकि हम वीडियो में डाल दे और फिर उनका मैसेज या कॉल आया कि यार क्लिप से हटा दो, तो वो चीज नहीं, मैं कवर ही नहीं कर रहा हूँ वो कंटेंट, ठीक है। ये बीबी का मकबरा है जो राबिया बी नाम था जिनका, और ये औरंगजेब की एक बोलते ना खातून थी, बीवी थी, तो उनके ही लिए बनाया गया है, औरंगजेब ने बनाया है बीवी का मकबरा। डेफिनेटली औरंगजेब कौन, शाहजहाँ के बेटे है ना, शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब, तो शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया था मुमताज़ के लिए, फिर उनके बाद औरंगजेब ने बनाया बीबी राबिया के लिए बीबी का मकबरा जो कि ताजमहल की शक्ल में, इसलिए ये उसके जैसा दिखता है या उसके जैसा बनाया गया है, लेकिन वो क्वालिटी का नहीं है। गाइस बीबी के मकबरे की टिकट है एक जन की 25 रुपए की, ठीक है, और 14 साल से नीचे लोग के बच्चों के लिए फ्री है, कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है, कूपन मिलता है, कूपन घुमाने का नहीं क्योंकि जाने के टाइम पे वो वापस यूज होता है, और अगर घुमा दिए तो 150 रुपया फाइन, 150 या 100 रुपया कुछ तो फाइन है जो देना पड़ेगा। एक्चुअली ना ये है दरवाज़ा जो मकबरे तक के पहुँचने की सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, तो जो मैंने अंदर से दिखा है ना आपको डायरेक्टली नीचे, और ये दरवाज़ा है जो वहाँ तक के पहुँचता है और मज़ार साफ करने के लिए खुलता है। बीबी के मकबरे के सामने हाउस है जो सूखा हुआ है, यहाँ से फुवारा होना चाहिए था जो बंद रखे है, और ये है मीनार, ऐसे 4 मीनार बने हुए है, बराबर मीनार के बाजू में चांद है, दिख रहा होगा आप लोगों को, दिन में चांद और सूरज हर बार नहीं दिखते, तो ये 4 मीनार, और यहाँ पर है गाइस मस्जिद, ठीक है नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वैसे ही ताजमहल में भी नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पर भी बनी हुई है क्योंकि शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब ने ही बनाया है ये चीज़, तो सेम टू सेम मतलब समझ जाओ कि चीज़ें मिलती है। अब चलते हैं दूसरी तरफ से कवर करते हैं फेस, सेकेंड फेस, दूसरा गेट है ऊपर आने के लिए, नीचे से वहाँ से नीचे से ऊपर आने के लिए दूसरी तरफ का गेट, फिर से सेम चीज़ फुवारा गेट मीनार, मीनार और मैंने बताया ना कि ये भी ताजमहल के जैसा चारों तरफ से सेम रखा गया है, ये फेस भी सेम है, ये फेस भी सेम है, बस इतना है कि चारों तरफ से उसका दरवाज़ा ओपन नहीं रखा है, एक ही तरफ से ओपन रखा है मेन गेट बना के, बाकी 3 जगह से बंद है, और ये जो चार ये अभी चेंज हुआ है, नहीं तो पहले पता है कि ये भी सेम बना हुआ था चारों तरफ से, यहाँ से यहाँ से और पीछे तरफ से, तो मेंटेन नहीं किया है अभी बहुत दिनों से। हाँ ये हाउस है जो कि बंद है, और अम्मी बता रहे कि अम्मी लास्ट टाइम आए थे तो कुछ ज़्यादा चमक रहा था, अभी मेंटेन हो रहा नहीं है, दीवारें काली पड़ गई है, और मेरे को जितना याद है मैं सब 16 साल पहले आया था ना, मार्बल शाइन कर रहे थे इवन इसके, हाँ ये भी फुहारे बंद है, चलो नीचे। घास वास भी मतलब उग गई है लेकिन मेंटेन जो नहीं है किया हुआ, नहीं तो लास्ट टाइम पे जब मेरे को याद है 16 साल पहले का, तो छोटे छोटे जो पौधे रहते थे ना एकदम सेम टू सेम इक्वल क्वालिटी में सब बना हुआ था, एकदम सेम टू सेम लग रहा था हर जानिब से, और वो सामने हिल हिल्स हिल्स गार्डन व्यू हिल्स व्यू का है म्यूजियम, वो म्यूजियम है नहीं ना मैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर औरंगाबाद से बिलोंग्स करते हैं, ये चीज़ तो अपने को समझ में आ गई। अब मैं ये व्लॉग्स बना रहा हूँ औरंगाबाद में आके, और हो सकता है मैं कुछ चीज़ें मिस कर दूँ, कुछ चीज़ें बताना मिस कर दूँ, ठीक है इन्फॉर्मेशन गलत नहीं दूंगा क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन जो भी दे रहा हूँ पूछ पाछ के ही दे रहा हूँ, जाँच करके दे रहा हूँ, तो अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो डेफिनेटली कमेंट करके
मेंशन करे, और कहीं गलत भी हो रहा हो तो कमेंट करके सही करे, और ताकि जो भी यहाँ पर आए तो उनको सही इन्फॉर्मेशन मिले, और मेरे ब्लॉग से तो डेफिनेटली सही इन्फॉर्मेशन मिले, दुरुस्त मिले। मेंटेन का काम पीछे साइड से चालू है, ठीक है। क्या बचकाना? बचकाना नहीं है ये, बचकाना भैया, ये मेरा भैया, भैया भैया। अभी टाइम आता है यहाँ से निकलने का, अलविदा कहना बीबी के मकबरे को, तो टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज। आई होप आप लोगों को मजा आया रहेगा, टाइम आ रहा है वो देखो। संतरा नंगा हो गया। हाँ, ये दरवाजे पे नक्काशी पीतल वाली, और ये पूरी लाइटिंग लगने वाली है, तो मेरे को नहीं मालूम कि क्या करने की इतनी लाइटिंग लगा के लो। दूर से चमकता है, दूर से चमकने के लिए। एक दिन में क्या क्या कवर किए? शाहनूर में दरगाह, पंचकी, और बीबी का मकबरा, और हम लोग की अपनी मस्ती अलग। तुम यकीन मानेंगे, कल हम लोग पहली बार मिले, है ना? हाँ। हम लोग कभी मिले ही नहीं थे। ये कल पहली बार मिले, और ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। मेरा दोस्त है, इसका नाम रखे ला मैंने अभी बचकाना, लेकिन ये मोहब्बत वाला मुंबई वाला नाम है, ये भी इसको गलत में मत लेना, नहीं तो फिर गांव वाला नाम दूंगा तो फिर भाई देना पड़ेगा। क्या भाई? फिर है ना, बचकाना, रिजवान, रिजवाना, रिजवान, रिजवाना, रिजवान, क्योंकि इसको सब चपटा कहते हैं। बाय बाय। अम्मी को मजा आ रहा है, मजा आ रहा ना मैं, मेरे अम्मी को सब्सक्राइबर मिले, रिश्तेदार मिले, अम्मी को बहुत सारी दावत मिली, अरे इतने लोग मुझे प्यार से आके मिले ना, सच में मेरे को यकीन नहीं हो रहा, बहुत लोग आके मिले। वालेकुम अस्सलाम, हमारे अम्मी आपके है ना यूट्यूब। चलो ठीक है, रुकते हैं जरा। तो इसी तरह रास्ते में सब्सक्राइबर मिलते गए, मोहब्बत मिलती गई, इज्जत मिलती गई, मजा आते गया। यहाँ घूमने तो सब आते हैं, लेकिन वो घूमने के साथ साथ प्यार और इज्जत मिल रही है तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। शुक्र है मालिक का और आप लोगों की दुआ और प्यार का, और इस प्यार को ऐसे ही बरकरार रखे। ठीक है गाइस, चलो मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।